Yes, that's why we are here. Welcome back to your very own Baijus 9th and 10th channel today. I'm your physics mentor Sorup, and you know what? Thank you, Disha. And today we are here to explore the world of lenses in terms of refraction. Now, refraction, we already thought about earlier, right? In our last class, we discussed about the refraction, yes, in a glass lab, right? Correct, good. Today we'll be dealing everything about lenses. कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस व लेंस वर दूस ऑफ लेंस रे डाय कैसे बनाते हैं सेशन एंड सब्सक्राइब इफ यून न्यू अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर देते हो और मिस कर देते हो तो बाद में नुकसान भी हो जाता है राइट सो दैट्स वाई सब्सक्राइब इफ यू फील क्वालिटी एजुकेशन आपको चाहिए और आपको अच्छा लगता है देन अदरवाइज फ्री एंड लाइक द सेशन वॉन

How many of you have already seen the previous classes? Curved surfaces, we have done the glass lab. Yes. Me, me, me. Very good. It was written class 9th. Oh, thumbnail i will get it changed. Sorry. We know, very good. Not watched. Koi baat nahi. People who haven't watched the previous session, it's okay. Today you listen very carefully. If you are able to not understand a few things, means.

सेम डे नेक्स्ट ईयर लॉर्ड ऑफ क्लास टेन स्टूडेंट्स आप भी देखोगे बहुत सारे क्लास टेन स्टूडेंट यहां पर नहीं है, है जो भी बाद में देखेंगे अगर यू विल ऑल्सो फेस दिस डे अगेन इन योर लाइफ नेक्स्ट ईयर ऑल द बेस्ट फॉर दैट बिकॉज यू नो वॉट यू स्टार्टिंग राइट नाउ मतलब तुम तो अभी से तैयारी कर रहे हो एंड बिलीव मी आप अभी से तैयारी कर रहे हो मतलब यू आर ऑन वेरी राइट ट्रैक रिलैक्स केज आई गेव यू अमॉल होमवर्क इन अ लास्ट क्वेश्चन कितने लोगों ने ट्राई किया था सच बता ना आई सॉ ऑल द कॉमेंट्स Nobody said, I did the homework. Yes. Good evening, Anushka. Me, Rohit, very good. Yes. 12th hai, I know. <laughs> yes, this all the best for your 12th class. Here. And 12th is even scarier. Like, it's not just boards. A lot of different things, JEE, NEET, me, very good, Anna. Right? Very good. Numericals are in, yes, there are numericals. I mean, there are questions, obviously. Alright, very good. So, hopefully, if you tried... भाई जस्ट इफ यू ड्रॉ विदेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि भाई लाइट अगर रेर से डेंसर जा रहा है इफ यू नो दिस मच वेरी इजिल यू कैन फाइंड वेयर द लाइट रे विल बेंड टू वर्ड द बेस इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और इट विल कन्वर्ज देयर इट विल डाइवर्ज बहुत इजिल आप ये फाइंड कर सकते हो कुछ नहीं है पहले पे आपको बनाना है ऑन फर्स्ट सरफेस यू हैव टू मेक ए नॉर्मल यू विल मेक इट

Few of the doubts I have already replied, right? One or two doubts I have replied, which would have taken me a longer time. Apart from that, Rohit's doubt, Krishna's doubt, and we have. Oh Krishna, you have two doubts, huh? We have Yashwant, Kriti, sir and Swapnath. Alright. So, all these doubts I'll take by the end of the session. Listen carefully because few doubts which you asked in the last session. आज के सेशन में वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे आप अगर से सुनोगे राइट सो रिलैक्स कोई बात गुड इवनिंग सीरियसली क्या बोलते हो आर यू रेडी शैल वी स्टार्ट सीरियसली लेंसेज खत्म करते हैं इजी है इफ मिरर्स आर फाइन लेंसेज आर डेफिनेटली फाइन कोई दिक्कत नहीं है ना जल्दी हो जाएगा यस ये सी बिल्कुल एमान लास्ट सेशन में इट वॉज ओनली इफ लाइट गोस फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल इफ यू गो फ्रॉम रेर डेंसर इट्स टू वर्स नॉर्मल इंडेक्स क्या होता है क्या होता है है वी हैव ऑल दिस ना बच्चों अब आते हैं स्फेरिकल लेंस पे देखो स्फेरिकल लेंस लेंस क्या होता है पहले तो अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस डेफिनेशन क्लियर है कि एम्बिगुटी है इसके अंदर एम्बिगुटी मतलब कंफ्यूजन है डू यू थिंक दिस डेफिनेशन इज वेरी क्लियर और यू फील दिस कंफ्यूजन इन दिस एक सिंगल लाइन में ना बहुत कुछ बोल दिया इसने यस करेक्ट हेलो न्यू स्टूडेंट एवरीबॉडी हु इज न्यू सब्सक्राइब राइट नाउ एंड लाइक दिस कम स्लाइट कंफ्यूजन वेरी गुड क्रिस्टल क्लियर वेरी सुनो डेफिनेशन इज संग एटलीस्ट वन स्रिकल सर्फेस मतलब सर एटलीस्ट वन स्ेरिकल सर्वेस all right matlab this has two spherical surface it's a lens this one has one spherical surface and one plane surface this is also a lens this one has one spherical surface and one plane surface this is also a lens this is also a lens all right fine take okay. so all these three have at least one spherical surface right?

टू प्लेन सरफेसिस इज दिस अंस ये और नो वॉट इज इट यस राम जी सुनो सुनो बच्चा देखो एटलीस्ट वन फेरिकल सरफेस चाहिए मैं एक ग्लास का टुकड़ा लू इन सब में ऑल दीज है सरफेस इसको क्या बोलेंगे हर्षद मिरर मिर मिररर नहीं इट्स अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ओके नो मिर नोट नो कर्व ना दिस इज वॉट इट्स सिंपल ग्लास स्लैब ना दिस इज अल ग्लास स्लैब है ना ये तो सिंपली ग्लास स्लैब है भाई एक ग्लास का पत्ती तो है इट्स जस्ट अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ अ ग्लास राइट दोनों सर्फेसिस पैरल रहे तो ग्लास स्लैब ही तो हुआ थिकनेस बहुत कम है करेक्ट और सच बात है इफ आई पॉलिश वन साइड इट बिकम्स अ मिरर लेकिन अगर आपने पॉलिशिंग नहीं किया है देन यू कांट कॉल इट अ मिरर ओके ये है ग्लास स्लैब सो द डेफिनेशन एटलीस्ट वन स्पेरिकल सरफेस आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड वीनिंग ऑफ एटलीस्ट वन सरफेस नो क्लियर हुआ कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस चाहिए अगर दोनों सरफेस प्लेन हो जाएंगी तो ये तो ग्लास स्लैब बन जाएगा इट इज नॉट a lens anymore. करेक्ट सच बात है All right. आगे चलते हैं. अब सुनो मेकिंग ऑफ lenses. वेरी गुड दिस इज क्लास 10 बच्चों वेरी गुड वेरी गुड on.

Concave lens. Concave lens कैसा होता है इट थिनर इन द मिडल एंड थिकर ऑन द साइड्स बीच से पतला होता है साइडों से मोटा होता है उसको बोलते हैं concave lens. अब एक बार सच बताना, ट्रूथ हाउ मेनी ऑफ यू टेंड टू गेट कंफ्यूज बिटवीन कॉनवेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर कितने लोगों को कंफ्यूजन होता है भाई कॉनवेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर हमने इसमें बात किया था क्या कॉनकेव मिरर कौन सा था विद रिफ्लेक्टिंग, इट लुक्स लाइक अ केव इट इज कॉनकेव मिर अगर ये साइड रिफ्लेक्टिंग है इट्स लुक्स लाइक इट्स इट्स मिरर है बताया कॉनकेव मिर मतलब सर केव है ना अंदर की तरफ केव यह कॉनकेव मिर कॉन्वेक्स मतलब सर वेक्स लाइट रे जहां टकराएगी वो होगा बल्ज वो होगा वैक्स यह है कॉन्वेक्स मिरर ठीक बहुत बढ़िया इफ यू नो दिस मच कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है सर जी ये वाला दिस इज कॉन्वेक्स मिरर यस और नो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर ओके कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा इसका ना सिमेट्री बना दो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर से कॉन्वेक्स लेंस आ गया व्हाट इज कॉन्केव मिरर सर दिस इज कॉन्केव मिरर है ना वेरी गुड मेक इट सिमेट्रिकल दिस बिकम्स कॉन्केव लेंस राइट मिरर याद करो लेंस अपने आप होता चला जाएगा रिलैक्स एकदम है ना जस्ट मेक दी स्मॉल स्मॉल कनेक्शन एकदम आसान है करेक्ट यस सो फन वेट टूगेदर्स आई जस्ट सेट कॉन्केव मिरर इज विद राइट विच हैज डेप्थ इन साइट है ना अंदर की तरफ बल्ज होता है इट्स अ कॉन्केव मिररर कॉन्वेक्स मिररर इज वेर देर इज अ वेक्स देर इज अ बल्ज ओवर दिस साइड राइट दिस बिकम्स कॉन्वेक्स मिररर इफ यू मेक सिमेट्रिकल इट बिकम्स कॉन्वेक्स लेंस इफ यू मेक इट सिमेट्रिकल इट बिकम्स कॉन्केव लेंस ईजी

लाइट कब से आ गया सोचो तो हाँ ध्यान से देखो बच्चों अगेन मिररस कि नॉलेज अपने पास होनी चाहिए एवरीबॉडी प्लीज रिमेंबर द नॉलेज यू गेन्ड इन द मिरर सेशन और राइट अब ध्यान से लेंस इज अ सेंटर पॉइंट कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर मिरर में क्या बोलते थे वॉट वॉज द सेंटर पॉइंट यूज टू कॉल इन मिरर्स अगर ये मिरर था उसके बीच में क्या होता था कमान फोकाय फोकाए टेल यू नहीं नहीं ऐश आई सेम थिंग वेरी गुड नाइस दिस वॉज पोल बहुत अच्छे बट लेंस में बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर सेंटर है और लाइट की चैप्टर है तो ऑप्टिकल हो गया ठीक है ऑप्टिकल सेंटर वेरी गुड बहुत बढ़िया अब एक चीज और बच्चों हमको लगता है कि लेंसेज वेन यू से दे आर बाई बाई लेंसेज बाई मतलब दोनों साइड में सेम कर्वेचर है इनको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉन्केव लेंस ओके सो दिस वन बिकम्स बाई कॉन्केव बाई मतलब होता है टू इफ बोथ द कर्वेचर्स आर इक्वल वी कॉल इट बाई कॉन्वेक्स और बाय कॉन केव ठीक है, है, ना? ये है मैं क्यों दे रहा हूं अगेन मिरर्स में क्या था मिरर्स में वी गुड हेयर वी कॉल इट एफ वन टू एफ वन ऑन वन साइड F2, 2F2 टू एफ टू ऑन अनादर साइड सेंटर ऑफ का कॉन्सेप्ट हम बोलते नहीं है हम इसको 2F बोल देते हैं बट

अब सुनो जरा ध्यान से एवरीबॉडी इफ अ लाइट रे फॉल्स पैरेलल फॉल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द लेंस रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होता है दिस लाइट विल पास थ्रू फोकस फोकस ऑन द अदर साइड करेक्ट इन द केस ऑफ कॉन वेक्स लेंस क्लियर हाँ सोमे एल हेल्प यू विद ड्रॉइंग वेरी गुड पासिस थ्रू फोकस Fine, very good. In the case of concave lens, convex lens, other convex lens is making the light ray to bend downwards. If I have one more light ray like this, what will happen? It will pass through focus again. Look at this. What is this? What kind of lens? Converging or diverging? That lens over there. Goala lens. Console lensivo. Converging or diverging it? Come on. Yes. नमस्कार अनुष्का केमिस्ट्री आई डोंट नो बच्चा कन्वर्जिंग वेरी गुड क्यों लाइट रेस को कन्वर्ज कर रहा है ना कहां कर रहा है? पे कर रहा रहा है है फोकस पे ना सो so, को जो मीट करा दे वो है कन्वर्जिंग लेंस दैट इज द कॉन्वेक्स उधर कन्वर्जिंग मिरर कौन सा था विच वॉज द कन्वर्जिंग मिरर कितने लोग को याद है नहीं डाइवर्ज पवन बच्चा डाइवर्जिंग मतलब होता है लाइट रेज मीट ना करें लाइट रेज डोंट मीट दे जस्ट डाइवर्ज है ना दे एक्सपैंड आई वुड से दे गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस

हैव टू ट्रेस देम बैकवर्ड फॉर देम टू मीट है ना राइट सो दिस इज अ वर्चुअल फोकस दैट इज अ रियल फोकस ये है रियल फोकस ये है वर्चुअल फोकस एवरीबडी क्लियर है ना लाइट रेस सच में मीट थोड़ी कर रही है लाइट इज नॉट मीटिंग एक्चुअली दे आर डायवर्जिंग

ध्यान से देखो प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस का हुआ F2 टू फॉर कॉन्केव लेंस इट इज एफ वन सेइंग यू आर जस्ट टेकिंग द नेम नाउ फोकस फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज टू द राइट राइट में कौन सा फोकस है सर F2 F2 है ना सो F2 टू इज द प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स लेंस फॉर कॉन्केव लेंस वट इज द प्रिंसिपल फोकस सर, लाइट रेज ना लेफ्ट साइड पे अपियर टू मीट दैट इज द फोकस लेफ्ट साइड में कौन है एफ वन सो फॉर कॉनकेव लेंस प्रिंसिपल फोकस इज एफ वन सेकेंडरी फोकस सेकेंडरी फोकस फॉर कॉन अब प्रिंसिपल को हटा दो जो दूसरा वाला है उसको बोल देते हैं हम सेकेंडरी फोकस सेकेंडरी फोकस बिकम्स एफ वन इसका बन जाता है एफ टू ठीक है सेकेंडरी फोकस इफ यू फॉरगेट आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम If you forget secondary focus, I don't have a problem. If you forget the principal focus, I have a problem. Principal focus नहीं भूलना है secondary focus extra information है chill मारो। अरे वाह very good अंशी। Nice यार। uh, uh. Fatima relax. We'll practice everything. You have started right now. अभी तो बहुत दूर जाना है हमको बहुत practice करेंगे बच्चा आप एकदम regularly अच्छे से आओ हर एक session अच्छे से करो practice बहुत करेंगे relax एकदम सब अच्छे से हो जाएगा चलो स्पेशल रेज देखो इफ यू वॉन्ट टू फॉर्म द रे डाय शुड नो द स्पेशल रेज मिरर से हमने ये तो सीख लिया है स्पेशल रेज स्पेशल रेज कौन कौन सी थी पहली रे थी उसके अंदर पैरल वाली ये सो द पैरल रे विल पास थ्रू फोकस ऑन द अदर साइड इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ये हो गई पहली सेकेंड वाला इफ लाइट रे इज पासिंग थ्रू फोकस लाइक दिस इट विल कन्वर्ज अगर लेंस नहीं होता अगर लेंस नहीं होता तो ऐसे निकल जाती लेकिन लेंस है। लेंस लेंस है। है? है है। का काम क्या है? लेंस इसको ऐसे बेंड करेगा, ना? ये हो गई second special ray. Third special ray, बहुत इजी ऑप्टिकल सेंटर से वॉट एवर रे पासिस विल गो अनडेविएटेड यू कैन थिंक अबाउट इट राइट ठीक है ऑप्टिकल सेंटर से वॉट एवर रे पासिस इट विल गो अनडेविएटेड फाइन हाथ यस yes, बिल्कुल बिल्कुल uh, गुरलाल रिलैक्स बच्चा अगर हाँ एवरीबॉडी अगर नोट्स की दिक्कत है प्लीज टैग एस इन द कमेंट सेक्शन द टीम इज वर्किंग ऑन इट एंड आई थिंक दे आर सेंडिंग अगर किसी को नहीं मिल रहे हैं मतलब कुछ गड़बड़ है थैंक यू शाहरुख हाँ इट विल नॉट बेंड वेरी गुड अश फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इट विल नॉट बेंड केवल तीन रे हैं बस मिरर में क्या था सर पैरल वाली थी फोकस वाली थी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली थी बस काम खत्म तीन तीन रे तो है, है ना इजी एकदम वेरी गुड इसी बात पे एक क्वेश्चन हो जाए जरा एवरीबॉडी कम ऑन अ क्वेश्चन फॉर यू थ्री स्टूडेंट्स मेड रे हैज ड्रॉन इट करेक्टली सही बनाया स्टूडेंट वन इज दिस वन दिस इज वन दिस इज टू एंड दिस इज थ्री किसका डायग्राम ठीक है uh, स्टूडेंट वन का स्टूडेंट टू का स्टूडेंट थ्री का एवरीबॉडी वन 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 ए

रिफ्रैक्टिंग इट इज पासिंग थ्रू एफ टू सही लग रहा है ये तो है ना दिस फील्स आर फर्स्ट है ना फर्स्ट स्पेशल रे ओके देखे जरा दूसरा वाला सेकेंड रे इज पासिंग थ्रू ऑपटिकल सेंटर बट देख अरे तो गलती हो गया दिस इज रॉन्ग थर्ड वाला दिस रे इज पासिंग थ्रू फोकस इट शुड हैव बिकम पैरल लेकिन ये तो इधर मुड़ गया अरे ये भी गलत है स्टूडेंट वन इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओनली स्टूडेंट वन पे हाँ अभी <laughs> when the object is at infinite distance let's talk about the ray diagrams when the object is at infinite distance in the in my mirrors spherical mirrors session i explained you something agar aapka object or light source infinity pe hai, the light rays coming from that object and falling on your mirror or lens will be called as yes pawan you're right at focus इनफाइनाइट पे कोई भी चीज बोल दी है ना मतलब लाइट रेस फ्रॉम दैट आर पैरेलल है ना आर पैरेलल करेक्ट यस पैराक्सियल रेज वेरी गुड पैरेलल और पैराक्सियल पैरल इंसिडेंट इट फोकस यू आर राइट सो इनफाइनाइट से अगर रेज आएंगी दे दे विल विल बी बी पैरेलल टू द द प्रिंसिपल एक्सिस पैराक्सियल रेज एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल बी मीटिंग एट अ पॉइंट व्हिच इज एफ2 द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ये तो बहुत इजी था अब क्वेश्चन कैसे आते हैं आस्क यू ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कैंडल प्लेस्ड ऑफ द कैंडल प्लेस्ड बिफोर अ कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक कैंडल रखा हुआ है ठीक है उसका बनाना है आपको रे डायग्राम कितने लोग बना लोगे आई मीन हाउ मेनी ऑफ यू आर कॉन्फिडेंट के सर ये तो ईजी है कितने लोगों को डिफिकल्टी होती है ये कमान टिक टॉक्स यस एफ वन इज ओनली फोकस एफ टू

I will not worry about the base. The tip is कहीं और. the tip is in the air, right? So I want to form the image of this point A. मैं इस A point का image बनाऊंगा and wherever this image comes, right? Wherever this image comes, let's say this image comes over, let's say अभी just एक random thought है, है ना इसको भूल जाओ. मान लेते हैं ये point का image यहाँ पर आया. तो यानी कि पता है क्या हो जाएगा सर माई वुड लुक समथिंग लाइक दिस ऐसे यू ठीक है सो फॉर हुज़ बेस इज़ ऑन प्रिंसिपल एक्सिस आप केवल एक ही पॉइंट की इमेज बनाओगे फॉर ऑब्जेक्ट्स हुज बेस इज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ओनली वन पॉइंट इमेज फॉर्मेशन इज इनफ टू फॉर्म द कंप्लीट इमेज केवल ये पॉइंट ए यहीं पे अगर फॉर ओलंपियाड आई गिविंग ओलंपिया स्मॉल हिंट अगर ये कैंडल ऐसे ना होके मान लेते हैं ऐसे हो जाती लेट्स से दिस कैंडल वाज लाइक दिस इन द इन एयर द बेस इज नॉट टचिंग टू प्रिंसिपल एक्सिस अभी आपको कितने पॉइंट लगेंगे इसकी फुल इमेज बनाने के लिए टेल मी हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू नीड टू मेक द फुल इमेज ऑफ दिस कैंडल कम ऑन टेल मी टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट जिस ना इट विल बी इनवर्टेड आपका कैंडल उल्टा होगा तो इस तरफ भी उल्टा आ जाएगा टू पॉइंट वेरी गुड बहुत बढ़िया दो पॉइंट कौन से सर एक तो टिप से वन पॉइंट फ्रॉम द टिप दिस वन अरे यार कोई अच्छा कलर नहीं है क्या ये लेते हैं वन पॉइंट फ्रॉम द टिप एंड वन पॉइंट फ्रॉम द बॉटम ये दोनों पॉइंट का इमेज लगेगा टू फॉर्म द कंप्लीट इमेज ऑफ द कैंडल ठीक है बस तो ये है इजी इजीजी चीज बोर्ड में एक चीज प्रॉमिस कर सकता हूं मैं उस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा ओलंपियाड्स में आ सकता है ठीक है फाइन सो दिस इज फॉर बोर्ड्स एकदम पक्का दूसरा जो मैंने बताया दैट कैन कम फॉर ओलंपियाड्स और एग्जामिनेशन क्लियर टिल सॉरी बच्चा टुडे मेंटी इज नॉट अब केवल खेलने के लिए नहीं होती होतीस एज वी स्टार्टेड हमने बहुत खतरनाक वी हैव मेड सच ग्रेट इंस्ट्रूमेंट यूजिंग लेंसेज टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप है ना बहुत कुछ बनाया है हमने इज इट द सेम फॉर मिरर ये मिरर के लिए भी यही होता है यस yes, जिसना इट सेम फॉर मिरर वेरी गुड बाय ना शारू यूर राइट right. कैसे वेन आप वेन यू लुक एट समथिंग विच इज बिग यूजिंग एंड लेट मी आस्क यू समथिंग कितने लोगों ने हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर हेल्ड दैट मैग्नीफाइंग लेंस कितने लोगों ने कभी भी मैग्नीफाइंग लेंस को एक बार पकड़ के यूज किया है सच सच बताना हाउ मेनी ऑफ यू हैज हैव एवर हेल्ड मैग्निफाइंग ग्लास और छोटी छोटी चीजें कई लोग हाथ की रेखाएं है पढ़ते हैं ऐसे चीटी को देखते हैं मक्खी को देखते हैं मिलेगा बड़ा प्यारा होता है मस्ती आती है बहुत मजा आता है उससे दैट गिविग इमेज वही लेंस एक काम और करता है दैट सेम मैग्निफाइंग लेंस इफ यू गो इन टू द सन राइट right? अगर आप धूप में जाओगे उसी लेंस से ना यू कैन बर्न पेपर ऑल्सो आप नीचे पेपर रखो एंड सनलाइट की तरफ करो एंड यू नो वॉट यू कैन बर्न पेपर यूजिंग दैट सेम मैग्निफाइंग द लाइट दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस दैट लेंस इज ऑल्सो फॉर्मिंग बिग इमेज राइट करेक्ट एंड इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग इरेक्ट इमेज अगर आपकी चीटी ऐसे होती है एंड इफ यू टेक अ लेंस इट ओनली लुक्स बिग ना उल्टा थोड़ी दिखता है चीटी राइट right? द चीटी लुक्स बिग ओनली मतलब इमेज कैसी है इरेक्ट भी है कॉन्वेक्स लेंस कैन गिव यू इरेक्ट इमेज मैग्निफाइड इमेज एंड वर्चुअल इमेज ऑल्सो कब वेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस अगर आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हो देन वट डू यू गेट यू गेट वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज सर इसका मतलब बाकी जगह पर बाकी जगह पे इट्स वेरी इजी if the last case if i draw it for you let's say this is my lens this is f1 this is 2f1 this is f2 this is 2f2 for example let's say if i take this this is my object okay fine this is my object one ray i'll take parallel to principal axis fine after refraction it will be passing through the f2 very good next ray I will make sure it passes through the optical center like this. It will pass like this, and this, my friend, will be your image. Hai na? So, apart from when the object is placed between optical center and focus, O or F K beach ka chhodke everywhere else, it will give you real and inverted image. Convex lens will always give you real and inverted image, except बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस अब ध्यान से सुनो कॉनकेव मिरर याद करो एवरीबॉडी यस हाँ क्लास टेन रिजल्ट इज आउट वेरी गुड गेम वेरी गुड यार हाँ गरा बिकॉज लेंसेज यू कैन सी आई मीन सी थ्रू द लेंसेज नो मिरर्स में यू विल टू सी अदर अदर वेज सो वे इन विच लेंस इज सर्व देर ओन पर्पज और मिर ओन पर जो कामर कर सकते आप सब कुछ से भी कर सकते हो आप मिरर के, के देख सकते हो ठीक है फाइन एव बड़ी कौन के मिरर में इफ यू रिमेंबर बिफोर फोकस बिफोर फोकस क्या होता था सर रियल एंड इनवर्टेड इमेज बनता था राइट रिमेंबर आई विल शो यू द केस इज नाउ एंड एवरी वन नीड टू रिकॉल द कॉन्केव मिररर का केस इज ऑल्सो एवरीबडी विथ मी टूगेदर कमान पहला केस वेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी कॉन्केव मिररर में क्या होता है वेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी वॉट डू हैव एन कॉनकेव मिर सर रियल इन्वर्टेड हाईली डेमेज इमेज कहां बनती है फोकस बनती है सेम ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इमेज पोजिशन इज एट एफ टू इमेज साइज इज पॉइंट साइज इमेज नेचर इज रियल इन्वर्टेड क्यों क्योंकि सर रेज आर एक्चुअली मीटिंग वेरी गुड नेक्स्ट बियॉन्ड टू एफ वन बियॉन्ड सेंटर ऑफ करवेचर इन द मिरर, रिमेंबर याद है वो वाला केस सेम केस है क्यों उसमें क्या होता था सर बियॉन्ड सेंटर ऑफ करवेचर में इमेज वॉज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ करवेचर राइट इमेज वॉज रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड याद है इमेज पोजिशन बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू टू एफ टू का नाम वहां पे सेंटर ऑफ करवेचरी था ना तो f और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बन रहा है कैसा बन रहा है सर डिमिनिश्ड कैसा रियल इनवर्टेड इजी राइट करेक्ट यस अरे वाह नाइनटी फोर गुड नाइनटी फोर नाइन सेवन वेरी गुड आराध्या कांग्रेट पॉइंट वेरी गुड हाउ टू लर्न दिस अनुष्का विद प्रैक्टिस These tables आई want all of you टू have separately in an A4 sheet. ये आपको रोज देखनी है थोड़ी थोड़ी सी ठीक है नेक्स्ट एट ऑब्जेक्ट वॉज केप्ट एट सेंटर ऑफ करवेचर इन योर मिरर क्या बनता था मेरे को याद है सेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट टू एफ वन इमेज पोजिशन एट टू एफ टू भाई टू at वन पे ऑब्जेक्ट है टू एफ टू पे इमेज है right? Image size कैसा है Sir same size है इमेज nature कैसा है Real inverted.

Of और कैसा मिलता था रियल इनवर्टेड मैगनी पोल ऑब्जेक्ट जब पोल इमेज विल कीप ऑन गोइंग बैकवर्ड एंड विल कीप ऑन बिकमिंग बिगर एंड बिगर लेंस में क्या पैटर्न है सर वेन यू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर एंड क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर इमेज इमेज क्या होगा इमेज दूर जाता रहेगा इमेज विल कीप ऑन गोइंग बैकवर्ड एंड बैकवर्ड एंड विल कीप ऑन बिकमिंग बिगर एंड बिगर पैटर्न है बट थोड़ा सा डिफरेंस है बस इसमें क्या है सेम साइड था इसमें दो अलग अलग साइड है बस इतनी सी बात है बिटवीन एफ वन एंड टू एफ वन इमेज पोजिशन इज बियॉन्ड टू एफ टू इमेज साइज इज एंड लार्ज इमेज नेचर इज रियल इन्वर्टेड एट फोकस इन कॉनकेव मिरर इट वॉज रियल इनवर्टेड हाईली मैग्निफाइड एट इन्फिनिटी इमेज पोजिशन एट इन्फिनिटी इमेज साइज इनफाइनाइट साइज इमेज नेचर रियल इन्वर्टेड टिल हेयर एवरी थिंग इज सेम है ना सब कुछ सेम ही है वट इज डिमिनिश्ड मंजुना बच्चा डिमिनिश मीन स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट अगर छोटा होगा इमेंट डिमिनिश बोलते हैं करेक्ट थैंक यू अर्षित ऑल राइट चलो नेक्स्ट वन बिटवीन एफ वन एंड ओ ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ वन अगर यहां पर इफ यू कीप द ऑब्जेक्ट थिंक अबाउट इट इन द मिर When you used to keep an object between pole and focus, we used to get सर कुछ अलग होता था इट was एन एक्सेप्शनल केस क्या होता था इसमें वर्चुअल इमेज मिलती थी इरेक्ट इमेज मिलती थी एंड लार्ज इमेज मिलती थी ऑन द अदर साइड ऑफ मिलती थी इन concave mirror, ऑल द इमेजेस वर ऑन द लेफ्ट साइड लेकिन यही इमेज थी जो कि राइट साइड थी इट was अ वर्चुअल इमेज रिमेंबर सेम चीज होगा लेंस के अंदर क्या सर ऑब्जेक्ट है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इमेज पोजिशन विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट नॉर्मल से अलग होगा इन कॉनकेव मिरर द नॉर्मल वॉज सेम साइड इमेज है ना डिफरेंट थिंग वुड अदर साइड इमेज इज ऑन द अदर साइड अलग क्या हो सकता है सर सेम साइड में इमेज वही तो हो रहा है सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इज द इमेज इमेज साइज कैसा है एन लास्ट इमेज नेचर कैसा है वर्चुअल इरेक्ट ऐसा क्यों हुआ बिकॉज ध्यान से देखो सर ऑन द ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर इफ आई टेल यू लुक एट दिस स्म डायग्राम बच्चों ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर लाइट रेज आर डाइवर्जिंग नहीं करेंगे यानी कि यू हैव टू ट्रेस दम ऑन द अदर साइड तो आप जब इनको वेन यू विल ट्रेस द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस देन यू विल बी एबल टू मेक दीट एट वन पॉइंट यू विल है करेक्ट बियॉन्ड एफ टू अच्छा बियॉन्ड एफ टू बियॉन्ड एफ टू इज आई ड्रॉ आई डायर दैट ना एफ टूजी है बच्चा शुभ दिस विल डिस्कस प्रॉपरली डोंट वेरी वेरी गुड चलो एवरीबडी कुछ नहीं है वेरी इजी वेरी इजी क्वेश्चन फटाफट लेट्स लेट्स डू दिस स्मॉल क्वेश्चन ना कमान The candle placed in front of a converging lens of focal length F produces a real and enlarged image of it as shown. In front of a converging lens whose focal length is given to you as F. Very good. It produces a real and enlarged image of it as shown. Okay. Alright. Image kaisa hai. Image is real. It is enlarged choose the suitable position of the candle and complete the ray diagram object ka pe hai is it a is it b is it c is it d what do you think a 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 all right yes बी ओके ओके ध्यान से देखो प्रोड्यूसेस अ रियल एंड एनलास्ड इमेज ऑफ इट एज शो इमेज कैसा है सर इमेज है रियल और एनलास्ड ठीक है वेयर डू यू गेट रियल एंड एनलास्ड इमेज सर वेन आई कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड टू एफ

क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर बिकॉजिंग यू दिस इमेज वॉज कंफ्यूजिंग इसमें थोड़ा गड़बड़ था अब ध्यान से बताओ नाउ आई थिंक एवरीबडी नोज द आंसर नो दिस इमेज वॉज कंफ्यूजिंग यू है ना सच बात है मिस्टेक इजी वेरी गुड भाई रियल और एन लार्ज इमेज चाहिए कब मिलता है सर वेन द ऑब्जेक्ट इज केट बिटवीन एफ टू एंड टू एफ है ना? आप जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड टू एफ रखोगे देन ओनली यू विल गेट रियल एंड एन लार्ज इमेज बट वेयर विल यू गेट इट कहां मिलेगा तुमको वो यू विल गेट इट बियॉन्ड टू एफ टू राइट है ना सो बी इज द करेक्ट आंसर करेक्ट एंड रे डायग्राम इज फाइन रे डायग्राम इज वेरी इजी टू फाइन कुछ नहीं है रे डायग्राम में सर कुछ नहीं ऐसे ऐसे, ऐसे बनाएंगे एक जाएगा ऐसे एंड uh, उसके बाद जाएगा फोकस से देन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड इट विल गो गोर यसे ऐसे करके मीट करेगा एंड दिस विल बिकम माई इमेज काम खत्म इजी एकदम है ना इजी वेरी गुड ऑल राइट विद दिस कॉन्वेक्स लेंस इज डन जल्दी बताओ कॉन्वेक्स लेंस तक किसी को कोई डाउट है इन द केस ऑफ एफ लाइट बिकॉम पैरल वेरी गुड हाँ अक्षरा गुड क्वेश्चन बच्चा सेम क्वेश्चन आई हेड टेकन इन द कॉन्केव मिर ऑल्सो वेन लाइट रेज आर पैरल

वेंकट लास्ट सेशन आर देयर ऑन द चैनल राइट देर ऑब्वियसली देयर यू कैन वॉच इट एनी टाइम यू वॉन्ट नोट्स ऑन टेलीग्राम वी हैव सेंट इसके बाद भी अगर किसी को डाउट है प्लीज लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन आई शेयर इट अगैन डोंट वरी है ना गुंडी क्वेश्चन क्या होता है आई डोंट नो यस कम सो हा वेरी गुड अनिता आई नो इट्स ओके पढ़ाई भी जरूरी है ना टेंथ क्लास की कम ऑन स्पेशल रेस फॉर कॉन्केव लेंस सेम द थ्री रेज यू लर्न फॉर कॉन्वेक्स देखो सर पैरल इट बैक इट विल अपियर टू बी कमिंग फ्रॉम एफ वन फाइन एक चीज ध्यान देना बच्चों फोकस फॉर कॉन्केव लेंस इज टू द लेफ्ट फोकस फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज टू द राइट है ना ये तो पढ़ लिया हमने फोकस अगर मैं लाइट रे को फोकस की तरफ डायरेक्ट कर दूसरे बीच में लेंस आ जाएगा ऐसे करके एंड यू नो विले पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो अनदम है ना तीनों ऑलमोस्ट सेम ही तो है ना कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर बोथ आर रिलेटिव दे है मैंने क्या बताया था कॉन्वेक्स मिरर टेंड्स टू टेल यू कॉन्वेक्स मिरर क्या बोलता है आई विल नॉट ट्रबल यू आई विल कीप इट सिंपल एंड यू नो वॉट आई विल बी ईजी टू लर्न फॉर यू है ना सेम थिंग कॉन्वेक्स लेंसेज कॉन्वेक्स लेंसेज सॉरी कॉन्केव लेंस कॉन्केव लेंसेज सर जी आई विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्टेड डिमिनेट इमेज तुम जो कर लो एंड सेम थिंग कॉन्वेक्स मिरर यूज टू से है ना येस yes. नोटिस ऑब्जेक्ट पोजिशन एट इन्फिनिटी इमेज पोजिशन एट फोकस ये तो हमको पता ही है इसका फोकस कौन सा है सर लेफ्ट वाला सो एट एफ वन इमेज साइज इज पॉइंट साइज इमेज नेचर इज वर्चुअल इरेक्ट ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड एनी वेयर एल्स अपार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी इफ यू कीप द ऑब्जेक्ट एनी वेयर एल्स सेम थिंग यूज टू हैपन इन कॉन्फेक्स मिररर इमेज पोजिशन कहां रहेगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस वहां का मिलता था बिटवीन पोल एंड फोकस इमेज साइज कैसा होगा डिमिनिस्ट इमेज नेचर कैसा होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट सिंपल कॉन्वेक्स मिरर याद करो कॉनकेव लेंस याद हो जाता है कॉनकेव मिरर याद करो कॉन्वेक्स लेंस याद हो जाता है एंड दैट्स हाउ यू मेक दिस चैप्टर सिंपल अगर नॉट एबल टू कनेक्ट दीज टू रिलेशन तो चैप्टर लगेगा हो कितना बड़ा चैप्टर है सो मच आई है एकदम आसान बहुत ईजी है ठीक है यस संगीता सबका अलग अलग होता है बच्चा है ना हा गेम आल टेल यू अबाउट दिस करेक्ट हो नाइस पूजा वेरी गुड यारेट्स एवरी बारी एंड डोंट बरी ऑन मंडे विल मीट प्रॉपरली फॉर सेलिब्रेशन रिलैक्स इट्स ओके शो एवरी बड़ी कॉन्केव लेंस इज इट क्लियर क्लियर है तो क्वेश्चन कर लो जरा फटाफट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्लैश आर ट्रू फॉर कॉन्केव लेंस कॉन्केव लेंस के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट सही है ठीक है फाइन फर्स्ट ऑप्शन द प्रिंसिपल फोकस इज रियल सेकेंड ऑप्शन इमेज फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल

बी डी बी एन डी बी 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 ओके बी एफ 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 तो ऑप्शन ही नहीं है बी एन डी बी एनडी हा अभिनित बीएनडी सौम्य अलका ओके बी एनडी हा रोहित बी अनुष्का बी ओके इट्स वेंट अकसर राइट इट्स वेंट अस तो नाइस यार लव लव टू योर मार्क्स वेरी गुड वेट क्वेश्चन बैंक इज करा अच्छा शुभाय आंसर दिस अच्छा सुनो बच्चों लिसन फोकस लेट्स रीड द ऑप्शंस एंड एक्सप्लोर प्रिंसिपल फोकस इज रियल क्या बात कर रहे हैं यार आर यू किडिंग मी इट इज डाइवर्जिंग सो ऑन द राइट साइड लाइट रेज विल नेवर मीट यू हैव टू ट्रेस देम बैक सो प्रिंसिपल फोकस इज नॉट रियल इट इज वर्चुअल आई एक्सप्लेनड इट है ना तो भाई पहला वाला तो हो गया गलत ए इज रॉन्ग इमेज फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल हाँ दिस इज फाइन बिकॉज कॉन्केव लेंस इज लाइक कॉन्वेक्स मिरर दे ऑलवेज से आई विल नॉट ट्रबल यू योर लाइफ इज सिंपल ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड इमेज डन काम खत्म और याद नहीं करने का ठीक है इमेज फॉर्म डिज ऑलवेज वर्चुअल बी इज फाइन वेरी गुड सी इज कन्वर्जेज इंसिडेंट रेस टूवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस नो इट्स अ डाइवर्जिंग मिरर कन्वर्ट कैसे करेगा ये भी गलत द मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन वन मैग्निफिकेशन क्या होता है एवरीबॉडी कम ऑन ओ दैट्स ट्रू यार अरे किसी ने लाइक like नहीं किया तो कर दो भाई आई डोंट फोकस ऑन दीज थिंग्स बट आई होप यू ऑलवेज नो दिस कम ऑन व्हाट इज मैग्निफिकेशन डेफिनेशन मैंने बताया तुमको मैग्निफिकेशन क्या होता है मैग्निफिकेशन मोर देन वन हा ओके वे सेइंग मोर देन वन एच डैश अपॉन एच इट ऑफ ऑब्जेक्ट अब हाइट ऑफ वेरी गुड बच्चों देखो मैग्निफिकेशन मतलब कितना मैग्निफाई किया लेंस ने या फिर मिरर ने है ना अब मैग्निफिकेशन आप कंपेयर किन दो चीज को करते हो विच टू थिंग्स डू यू कंपेयर सर द साइज ऑफ इमेज विद ऑब्जेक्ट सो आई विल से मैग्निफिकेशन इज मोर देन वन वेन साइज ऑफ इमेज इज मोर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वेन द इमेज इज मैग्निफाइड इट मीन्स इट साइज इज मोर देन द ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन इज मोर देन वन साइज ऑफ इमेज इज लेस देन दब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट हैज मैग्निफाइड लेस मतलब मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन वन फ्रैक्शन में होगा करेक्ट सच बात है ना अगर ऑब्जेक्ट था इतना इमेज मिल रहा है इतना मैग्निफिकेशन कैसा है मोर देन वन मल्टीप्लाई करोगे ना मल्टीप्लाई नहीं आप करोगे डिवाइड राइट सो दैट्स वाई Magnification is less than one. 0 0.25, 0 0.5, hai na? correct? So that's why. Magnification is always less than 1. So for magnified images, magnification is more than 1. For diminished images, magnification is less than 1. Simple. Hai na? Clear? very good. Nice. So A sorry, B and D are the correct answers. Up Ap, applications of spherical mirrors. Numerous. दूर का शूट करना होता है मैं बड़ा लेंस लगाता हूँ पासा करना छोटा लेंस लगाता हूँ राइट सो लेंस तो बड़े काम की चीज है ऐसी बात नहीं है वेरी गुड नमस्ते अरे वाह राइट ना एवरीबाडी

And the second ray passes through C and retraces its path back. A parallel beam of light is obtained which illuminates some area. Is this ray diagram correct? But is the second also correct as as ray diagram? Second while I may, there is one problem. So, wait. Ha, Krishna, the problem was bacha. When you make a concave mirror like this, when you make a concave mirror like this, this is your focus and this is your center of curvature. If you keep an object at focus, right? and let's say you take a ray which passes through focus that ray would be that ray would be e, 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 this ray this ray passes through focus but this ray is also passing through center of curvature it is principal axis right it is parallel to principal axis so this ray will go back so this ray is going back so this one ray दिस पर्टिकुलर केस आपका फोकस से पास होने वाला दे विल बिकम पैर सो दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम सो सेकंड डायग्राम इज नॉट करेक्ट ओके फाइन इन कॉन्वेक्स मिर बल्ब इज के फोकस रेज

केव मिरर वाय बिकॉज इफ यू यूज कॉर्न मिरर मिर वॉट डू वी गेट सर वी गेट अ पैरल बीम गोइंग वेरी फार लेकिन इन स्ट्रीट लाइट हमने बोला इन स्ट्रीट लाइट्स वी सेड के सर वी विल यूज अ कॉन वैक्स मिरर कीप द बल्ब ओवर हियर एंड द बल्ब विल स्प्रेड कोई बताएगा वाई वाय आई कैन नॉट यूज दिस इन द कार And why do we use only this one? Why I cannot use this in the car light? It is spreading more area. Car to yeah, hai na Yes. <laughs> yes, teeny gamers. Ah, Ajay, it's a good question. Two-way mirrors pe I am making a separate video. Don't worry. For more range, ha, good. In which case, many more than one? Smartest way when the image is big than the object because more area.

मिरर इज यूज स्ट्रीट लाइट में क्या है स्ट्रीट लाइट में आपको एक स्ट्रीट लाइट लगाने से यू हैव टू कवर मोर एरिया स्ट्रीट लाइट में ये थोड़ी चाहिए फोकस लाइट चाहिए सो स्ट्रीट लाइट टू कवर मोर एरिया राइट दोनों का यूज केस अलग अलग है एंड दैट्स वाई वी यूज दिस फॉर स्ट्रीट लाइट एंड दिस फॉर काराइट आई लव दिस क्वेश्चन बिकॉज बहुत सारे बच्चों में डाउट आता है एंड आई वॉज ग्लैड टू सी दीज डाउट वेरी गुड नाइस चलो

Although vacuum's speed of light is same, but medium keeps on changing. So how can you say that refractive index becomes constant? Anybody? Is prism a lens? Harshit, no. Lens is separate, prism is a different thing. It has a specific purpose. We'll talk about this. Induction is reduced. that's why convex is not used. Good, good, good. Convex for spherical lenses, Ramya will talk about this in the next session. Absolute. Very good. Anybody? Because medium one is constant? huh? that's true.

They are constant. Refractive index Hamesha is mentioned for a pair of medium. You decide what medium you want, and then refractive index will say I'm a constant. Clear? Hai? Na? Very good. Nice. Is there a difference between refractive index and optical density, or both are same? Yeah. Both are almost see optical density is. क्वालिटेटिव टर्म यू कैन नॉट गिव नंबर टू इट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ द ऑप्टिकल डेंसिटी फॉर एग्जाम्पल इनर्शिया इनर्शिया क्या है प्रॉपर्टी है मास क्या है इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया क्या मास और इनर्शिया सेम है नहीं

है ना केव पता है क्या होता है बहुत बच्चे क्या करते हैं आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाते हो आपको सॉल्व हो जाते हैं बट आप थ्योरी अच्छे से नहीं समझते हो फर्स्ट ऑफ ऑल माई फंडाइज थ्योरी शुड बी क्लियर टू यू एंड देन न्यूमेरिकल्स विल डू सो मच कि तुम बोर हो जाओगे न्यूमेरिकल्स बहुत करेंगे रिलैक्स लेकिन थ्योरी समझना बहुत जरूरी है बहुत लोग नहीं कराते हैं. बहुत सारे लोग केवल न्यूमेरिकल कराते हैं बोलते हैं मस्ती करो तुम्हारे हो गए काम खत्म बच्चे भी खुश हो जाते हैं लेकिन नहीं एग्जाम में क्या होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन केवल केवल न्यूमेरिकल से काम नहीं होगा थ्योरी शुड बी वेरी क्लियर टू यू एंड दैट्स आई एम आई एम फोकसिंग लॉट इसीलिए मेहनत कर रहा हूं वरना मेरे लिए बहुत आसान है न्यूमेरिकल और निकल जाओ आगे वन वाई दिस रिफ्रैक्शन अकर्स हाँ दिगराज सर स्मॉल सजेशन uh, uh,

डर लगता है लेकिन स्टार्टिंग से करोगे ना क्लास टेन बिकम्स इजी एंड योर सीनियर्स आर देयर ऑन मंडे एंड टुडे द रिजल्ट्स वर आउट एंड यू नो व्हाट आई कैन वेरी प्राउडली से द स्टूडेंट्स हैव डन मार्वल्स तुम भी करोगे टाइम से रेगुलर रह के पढ़ोगे बहुत इजी हो जाएगा लास्ट में हम पढ़ेंगे तो आप पास हो पाओगे लेकिन टॉप करना मुश्किल हो जाता है राइट सो दैट्स वाई करेक्ट शुभ लास्ट सेशन में समझाया था बच्चा अगर कोई डाउट है प्लीज यू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन आई विल टेक दैट डोंट वरी ठीक है बच्चों क्लास टेंथ है थोड़ा सीरियसली कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा थ्योरी बहुत जरूरी है ढंग से सुनो ढंग से पढ़ो ढंग से समझो खुद भी ट्राई करो है ना एक बार दोबारा एनसीआरटी पढ़ना इस सेशन के बाद कुछ डाउट रह जाए हम दोबारा मिलेंगे रिलैक्स एकदम लेकिन प्लीज थोड़ी मेहनत खुद भी करते चलो छुट्टी है मान रहा हूं मैं लेकिन बहुत चिल्ली मारना राइट लाइक दिस सेशन इफ यू बिलीव दैट समथिंग न्यू यू लर्न शेयर इट टू योर फ्रेंड्स इफ यू विश शेयर द क्वालिटी एजुकेशन विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अगर आप कोई नए हो सब्सक्राइब करो बिकॉज आप बहुत कुछ मिस कर रहे होन से ट्रूली अपार्ट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम दैट चेंज इन रिफेक्टिव इंडेक्स बाय चेंज इन वाटर एंड मोल फॉर वाटर एयर एंटरवेम नो रिफेक्टिव इंडेक्स बाई चेंज इन बिकॉज मीडियम इट्सल मीडियम कीप लर्निंग सी यू बच्चा लोग बाय बाय